नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा से गलियाकोट मार्ग पर पुनर्वास कॉलोनी स्कूल के मैदान के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा पेच वर्क का कार्य 9 मार्च को किया गया था। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पेच वर्क कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर सही तरीके से कार्य नहीं होने की आशंका के चलते खासी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य को रुकवा दिया था। उस समय मौके पर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता रमेश पाटीदार को बुलाया गया था और उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि इस तरह के घटिया कार्य नगर पालिका क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जिस पर सहायक अभियंता ने इस पेच वर्क की 1 साल की गारंटी दे डाली। लेकिन मात्र 5 दिन बाद ही इस पेच वर्क के चितड़े उड़ गए, जो आपकी नजरों के सामने है। जनता के पैसों को पानी की तरह बर्बाद होते देख आते जाते लोगों में भी खासी नाराजगी देखने को मिली। मैं हमारे बोरा समुदाय की तरफ से एक स्वागत द्वार के शिलान्यास समारोह में मैं वहां पर लक्ष्मणपुरा के पास जब मेन सड़क से मैं जा रहा था तो वहां पीडब्ल्यूडी के द्वारा सागवाड़ा जो पुनर्वास कॉलोनी से लगा करके हमारे नगर पालिका सीमा तक में पेच वर्क का कार्य किया जा रहा था। और जब मैंने देखा पेच वर्क का कार्य तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ये गुणवत्ता में कुछ ये थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं कमी लग रही है मुझे इस मटेरियल में। मैं वहाँ पर उतरा, मैंने देखा मटेरियल, मैंने देखा उस ठेकेदार से मैंने बात की, जो ठेकेदार यहाँ कहीं आसेला गांव के हैं उनसे मैंने बात की। मैंने कहा भाई ये कौन करवा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हम ये सारे पेच वर्क के कार्य करवा रहे हैं। और मैंने स्वयं ने जा करके उस मटेरियल को देखा तो मुझे उसकी गिट्टी और उसके डामर पे बहुत शक हुआ कि न तो ये डामर अच्छा वापर रहे हैं, डामर के बदले में कोई ऐसा कोई ऑयल था जो उसके अंदर गिट्टी के अंदर मिक्स करके डाल रहे थे वो, और गिट्टी भी इतनी उच्च गुणवत्ता की नहीं थी। फिर मैंने एक्सिन साहब से बात की, अयन साहब से बात की, अयन मिस्टर रमेश पाटीदार करके हैं वो वहाँ पर आए और मैंने उनको कहा कि ये आप इस तरह का कार्य नहीं करें क्योंकि ये मेरी नगर पालिका क्षेत्र का मामला बनता है और मैं तो कम से कम मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसी घटिया सामग्री का कार्य मैं करने नहीं दूंगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी।